स्केजर प्रॉपर्टी चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम पहुंच गए हैं आपके लिए एक नया प्रॉपर्टी लेके, और स्पेसियस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एज ए एक डुप्लेक्स सर्च कर रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं, या फिर ऐसे कुछ लोकेशन देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक फ्री वातावरण के साथ एक कूल लोकेशन पे आप अगर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं सहस्त्रधारा रोड नियर बाय पैसिफिक गोल्फ स्टेट के नियर बाय सोसाइटी में, तो आई हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट। आप वीडियो में बने रहिए, एक बहुत ही लाजवाब डुप्लेक्स में दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड नाउ वी आर स्टेइंग नियर बाय द प्रॉपर्टी, एंड मैं आप कहना चाहूँगा दिस इज़ द न्यू लग्जरियस विला फॉर सेल नियर बाय मानसिंह सहस्त्रधारा रोड नियर स्पेसिफिक गोल्फ स्टेट अपार्टमेंट। यू सो दैट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा व्यू है, जो कि अगर आप व्यू अप लोकेशन पे देख रहे हैं तो सहस्त्रधारा रोड आपको आना पड़ेगा, और बहुत ही क्लीन व्यू है। आप अगर छत से, मैं एक सोसाइटी के मेन एंट्रेंस रोड जो अप्रोचमेंट दिस इज दोस्तों वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, बिकॉज यू सी दैट देयर इज सो मेनी हाउसेज हेयर एंड मिनिमम प्लॉट साइज आई थिंक दैट 200 स्क्वायर मीटर एंड 200 गज, एंड अप्रोचिंग रोड इज़ सो ब्यूटिफुल। यू सॉ दैट देयर इज ए 40 फीट रोड आई थिंक दैट यू सॉ, आई विल गिव यू सम मोर व्यू। एंड अगर मैं पहाड़ की व्यू की बात करूँ, पहाड़ के जो नेचर का व्यू है बहुत अच्छा है। सो मेन सहस्त्रधारा रोड नियर ओनली ऑन 600 मीटर नियर बाई, अप्रोचिंग रोड इज 30 फीट एंड 40 फीट इन दिस सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी इज हेयर, एंड I give you some more information in this building. I think that this is the big, beautiful location and so spacious location. Okay. And this we have two duplex for here. 140 square art. This made by 140 square art. And property dimension is 20 by. फ्रंट साइज 20 एंड 62 इज जो डेप्थ है वो 62 है, ठीक है। दिस इज द फ्रंट ऑफ बिल्डिंग एंड दिस इज द गेट, यू सी डॉट, आई थिंक वन इज सोल्ड एंड वन अवेलेबिलिटी इज हेयर। ये हमारा एंट्री है जहाँ से आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा ग्रेनाइट स्पेस, यहाँ पर ग्रेनाइट लगा हुआ है, इसमें रैम्प लगा हुआ है ग्रेनाइट का यहाँ पर। और प्रॉपर्टी का अगर डायमेंशन बताओ तो 20 का फ्रंट भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में, आप देख पाएंगे दिस इज़ द 20 एंड 64 इज़ द वेरी गुड डेप्थ इन दिस हाउस, बिकॉज आप देख पा रहे हैं गाड़ी पार्किंग का कोई इशू नहीं है फिलहाल यहाँ पर, और बिग पार्किंग स्पेस आई थिंक दैट दिस इज़ द 9 बाई 15 आई थिंक दैट, एंड वाटर टैंक इज हेयर, सम वाटर टैंक, आई थिंक दिस इज़ द वाटर टैंक एंड सब सोप टैंक इज हेयर। यहाँ पर भी आप मोटर वगैरह लगा हुआ है फिलहाल आप देख पा रहे हैं, और स्पेसियस है यहाँ पर, वॉशिंग एरिया के लिए भी आपको टैब लगा हुआ है, और दिस इज़ द वेरी बिग विंडो इज नियर फ्रंट बाई फ्रंट ऑफ बिल्डिंग हाउस, एंड यू सॉ दैट दिस इज़ द सो वेरी गुड फेसिंग यू सी दैट। अब मैं अगर यहाँ से आपको व्यू दिखाऊँ नीचे से, तो ये पहाड़ का व्यू देख पा रहे हैं, दिस इज़ द नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग, so spacious, and I think that the ceiling height is think 12 feet ceiling height, and nearby front elevation is so good because you see that there's all is wooden work, this is sare lakdi ka kaam hua hai badhiya acha sa, aur this is a big elevations, and yahan par bhi aapka charging ka point diya hua hai samne, aur lighting ka kaam bhi bahut acha diya hua hai yahan par, trip yahan pe laga hua hai, okay, MDD and availability hai। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी के अंदर कि हम एंट्री करते हैं एक बड़ा सा स्पेसियस डाइनिंग प्लस ड्राइंग के अंदर, और सो एलिवेशन इज सो गुड लुकिंग, दैट इज सो ब्यूटीफुल लुकिंग, दैट लुक बाय आई थिंक दैट दिस इज लुकिंग सो कोठी एंड ओनली 140 गज, ये लुक दैट, ये लग रहा है कि ऐसा 200 गज में बना हुआ, बट ये 140 गज में बना हुआ एक डुप्लेक्स है, और 2 बाई 4 सॉरी 2.5 फीट बाई आपका आई थिंक दैट ये 5 फीट होगा, टाइल्स लगा हुआ है 2.5 बाई 5 का, और यहाँ से अगर ऊपर देखेंगे दिस इज़ द बेस्ट बैल्कनी इज ओपनिंग बैल्कनी ओपन बैल्कनी इज हियर, और लाइटिंग फैसिलिटी इज सो गुड,
एंड दिन में भी आपको यहाँ पर लाइटिंग का कोई इशू नहीं लगेगा। मुझे लगता है चारों ओर वेंटिलेशन ओपन है, आप अगर देखेंगे बेडरूम। सो बिग डाइनिंग प्लस ड्राइंग, एंड ये आपका एक लकड़ी का एलिवेशन है, टीवी एलिवेशन वगैरह जो भी यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं यहाँ पर। ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू दैट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दरवाज़ा का फिटिंग और दिस इज़ द गुड वर्किंग फ्रंट डोर। ओके सो ये हम आप अभी एंट्री करते हैं किचन में। किचन इज़ पार्टीशन किचन है, जो सिलेक्टेड पार्टीशन किचन है। यह लेडीज़ के लिए थोड़ा प्राइवेसी आपको मिल जाता है यहाँ पर। और दिस इज़ अ वाइट मार्बल फिटिंग, ग्रेनाइट स्लैब इज हियर एंड टू साइड ओपन किचन। हियर इज़ वन सिंक, डबल सिंक इज हियर एंड यह दिस लॉन्ग स्लैब। ऑल इंटीरियर इज गुड एंड सो लॉन्ग बिग विंडो इज हियर, यू सॉ दैट। क्योंकि अगर लेडीज़ काम कर रहे हैं तो अगर घर में कोई बाहर आता है तो यहाँ से सबको देख पाएंगे ना। तो बहुत ही अच्छा इसमें आप देख पा रहे हैं सारे फैसिलिटीज आइडेंटी। चिमनी यहाँ पे लगेगा और ये डबल सिंक एट जागुआर फिटिंग। ओके और इस जागुआर फिटिंग जैसे मूवेबल है, मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। इंटेल वर्क्स गुड एंड डबल सिंक इज हेयर और नॉट स्मॉल बट मीडियम साइज किचन इज हेयर, गुड किचन, नो प्रॉब्लम। एंड वन अटैच वॉशरूम है नियर बाई फ्रंट ऑफ डाइनिंग वॉशरूम। There is small washroom but a good washroom, no problem. There is that parabola fitting and jaguar fitting is here. Okay. So यहाँ पर आपका वेंटिलेशन के लिए भी देखिए, यहाँ पर एक खिड़की रखा हुआ है सामने ओपन लॉबी की। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, नीचे ग्राउंड फ्लोर एंड यू सॉ दैट इज अ फैन इज वर्किंग, बिग विंडो। This is the south facing, south and west facing. Here's big first bedroom and 2x4 tiles is fitting here and good elevation work that is even suit, you see that is, this is good work. Aur finishing dekhiye kitna acha hai iska, this cupboard is so good, working good. Okay, so spacious bedroom and attached washroom is here. This is the good spacious washroom, I think that, and this is the so good and big. ये आपका वॉश बेसिन यहाँ पर कवर्ड है, कमोड लगा हुआ है यहाँ पर और ये सारे लगा हुआ है यहाँ पर। पीछे भी स्पेसियस है, वॉशिंग एरिया है, बैल्कनी स्पेस आप कह सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द गुड प्लेस एंड वेंटिलेशन इज सो गुड। आपको जाली लगा हुआ है यहाँ पर, पीछे भी यहाँ पर आप वॉश बेसिन रखने के लिए स्पेस है। ओके एंड नाउ वी आर गो टू फर्स्ट फ्लोर, to let you show you that, come to first floor. And this is the granite, and granite at double putty molding, you see that. And 3.5 feet ka ye hai, isme glass fitting hai steel ka sa. Okay, so here is also lighting facility is good. Okay, come to first floor and you saw that there's a good space in your first floor, the seating area. और यहाँ पर आपका देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है। ये फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री करते हैं, कोठी का लुक दिया जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर बढ़िया सा एक सोफ़ा लगा सकते हैं, डाइनिंग लगा सकते हैं बैठने के लिए। और ऊपर से ये जो कट है ना, ये अगर नहीं देता तो शायद उतना लुक नहीं आता जितना लुक अभी है। ब्यूटीफुल लोकेशन, यहाँ झूमर लगाने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है, सही है, जो होना चाहिए घर पर। एंड नाउ यू गो टू सेकेंड रूम, दिस इज़ द सेकेंड रूम विद फर्स्ट फ्लोर एंड बिग स्पेसियस विंडो। And this is the, I think that 8 feet long door. ये आपको ये है यहाँ पर अलमीरा और अटैच वाशरूम है। हर बेडरूम पे आपको अटैच वाशरूम ज़रूर मिल रहा है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए आपके बजट में। ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू बैल्कनी, दिस इज़ द बैल्कनी एंड देयर वॉज अ टैप, सो ब्यूटीफुल। आई थिंक दैट दिस प्रॉपर्टीज आई विल 100% टू श्योर दैट this is beautiful view, beautiful awesome, you see that this is so hills view and society is so good and says the road nearby. And now we are going to third bedroom, come let's see you saw you that this is the puja room, you use the puja room and storeroom what you want to use. Okay, and this is the ventilation area and some places is here, the balcony.
एंड दिस इज थर्ड बेडरूम, दिस इज द बिग बेडरूम एंड आई थिंक दैट दिस इज द 180 स्क्वायर फीट एरिया एंड एसी कनेक्शन इज हियर ऑलरेडी एंड सो पीओपी वर्क इज गुड आई थिंक दैट इज इन दिस प्लेस यू विल मेक अलमीरा अलमीरा ग्लासेस यू फिट द ग्लासेस ऑल्सो एंड यू सी दैट दिस इज द साउथ फेसिंग बैल्कनी एंड नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी देयर सो मतलब लाइटिंग इज नो प्रॉब्लम हियर फर्स्ट ऑफ ऑल सो ब्यूटिफुल वुडन वर्क एंड जाली फिटिंग दिस इज द थर्ड बेडरूम एंड थ्री बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम मतलब तीन बेडरूम में आपको तीनों पे अटैच वॉशरूम मिल रहे हैं. सबसे बेस्ट बात यह है और वेंटिलेशन का क्वेश्चन है जो सबसे पहली बात बताऊँ आपको कि अगर आप कोई घर देख रहे हैं तो व्यू आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल रहा है आपको. सेकेंड आपको 40 फीट अप्रोच रोड मिल रहे हैं. थर्ड आपको सहसधारा कूल लोकेशन पे मिल रहा है. चौथा आपको कि एमडीडी रहता है आपको कोठी लोकेशन दिया जा रहा है. फोर्थ ऑफ ऑल इसमें वेंटिलेशन नो प्रॉब्लम, वेंटिलेशन इशू नहीं है. फाइव जो पॉजिटिव व्यू है दिस इज द टेरिस एंड नाउ आई एम टेरिस यू आर सो दैट दिस इज द सो बिग एंड गुड लोकेशन टू स्टोर एनीथिंग हियर. ओके एंड कम टू लेट्स आई सॉ यू सम ब्यूटिफुल लोकेशन ब्यूटिफुल व्यू कम टू सी दैट लेट्स सी दैट. You comment me that how is you like this property and जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉपर्टी में आए और डील करें. सो ब्यूटीफुल लोकेशन और ब्यूटीफुल व्यू के साथ मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत ही बेस्ट लगा. आपको कैसा लगा और आप इस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा फील करते हैं इस प्रॉपर्टी को लेके, आप हमें बता सकते हैं. और मैं चाहता हूँ कि आप आइए और डील डन करें, इसमें ज़्यादा वेट ना करें. ऐसा लोकेशन मिलना मुश्किल बात हो जाता है. ये आपका पैसिफिक गल्फ स्टेट नियर बाई, ठीक है. एंड नाउ सो यू दैट सोसाइटी फ्रंट रोड. ओके ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाए हमें कॉन्टेक्ट करें और फटाफट ये डील को डन करें. थैंक यू, धन्यवाद.